आज की इसमें हम बात करने जा रहे हैं पांच ऐसे मोबाइल एप्स के बारे में जो काफी यूजफुल है और आपके मोबाइल फोन में होने ही चाहिए। तो इस वीडियो को जरूर से देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास पांच ऐसे अमेजिंग ऐप जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने पहले ऐप से। तो जो हमारा सबसे पहला ऐप है वह गूगल की तरफ से जो है गूगल रिप्लाई। तो ये एक ऑफिशियल ऐप है गूगल की तरफ से आने वाला। तो फिलहाल अभी प्ले स्टोर पर नहीं है, तो इसका भी बीटा टेस्टिंग अभी चल रहा है यहाँ पे। तो आप भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन तक जा रही हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन भी दिख जाएगा रेड कलर का, तो उसे भी दबा दीजिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो यह गूगल का ऐप रिप्लाई है। तो जैसे ही इसका टेस्ट कम्प्लीट हो जाएगा तो ऑफिशियली प्ले स्टोर पर भी जल्दी आ जाएगा। तो एक ऑटोमेटिक ऐप है जो कि आपके व्हाट्सएप मैसेज वगैरह इन सब का ऑटोमेटिक रिप्लाई करेगा। तो यहाँ पे इसके पास तीन ऐसे चैट ऐप हैं जो कि ऑटोमेटिक रिप्लाई हो सकते हैं, जो कि है व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक मैसेंजर। तो यहाँ पे तीन ऐसे चैट के ऐप्स हैं जिसके ऑटोमेटिक रिप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करेगा। तो जैसे आप इसे एक्टिव रिप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई मेरे को मैसेज करता है व्हाट्सएप पे कि जैसे व्हाट्सएप बड़ी, तो अगर ये मेरे को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि मैं इस टाइम की एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो जैसे कि अगर मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा, सबसे पहले आपको रोबोट का इमोजी मिल जाएगा जिससे पता लगे सामने वाले बंदे को कि जो रिप्लाई है वो रोबोट दे रहा है, कोई बोट दे रहा है, कोई इंसान नहीं दे रहा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रोबोट का इमोजी मिल जाएगा, उसके बाद लिखा आएगा वैभव कौशिक इज़ ड्राइविंग राइट नाउ, आपका नाम इज़ ड्राइविंग राइट नाउ। तो यहाँ पे भी तीन ऑप्शन जो इनेबल्ड है कि व्हीकल ड्राइव कर रहा है कोई, या फिर बाइकिंग कर रहा है, फिर रनिंग कर रहा है। तो बाकी यहाँ पे और ऑप्शन भी हैं जो कि फ्यूचर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे गूगल ने ऑप्शन की तरह इन्हें भी रखा है यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इनमें से किसी पे भी क्लिक करता हूँ ऐसे स्लीपिंग वगैरह, तो यहाँ पे मेरी एक वोट चली जाएगी, तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी जल्दी से जल्दी लोग बाग मांग रहे हैं। तो यहाँ पे वैकेशन रिस्पॉन्डर भी है। तो यहाँ पे आपके अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप फ्री हैं, तो यहाँ पे पूरा आपका कैलेंडर स्कैन कर लेगा कि आपकी कोई शेड्यूल मीटिंग वगैरह है या नहीं है। और अर्जेंसी में अगर किसी को अर्जेंट है, कोई मैसेज आपको अर्जेंटली करना है, तो यहाँ पे आपको मैसेज आपका जो फ़ोन पे है वो रिंग करेगा। तो ये अभी इसमें अभी कुछ फीचर्स आए हैं और धीरे धीरे इंप्लीमेंट होगा इसमें और भी। तो यहाँ पे अभी सिर्फ अभी इंग्लिश पे जो यह रिप्लाई दे पाएगा, तो धीरे धीरे भी इसमें हिंदी का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले अभी बीटा टेस्टिंग में चल रहा है, तो काफ़ी कम फीचर्स है इसमें, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में जब इंप्लीमेंट होगा तो काफ़ी सारे नए फीचर्स इसमें आने वाले हैं। तो आप इसे भी टेस्ट कर सकते हैं और आप इसे डाउनलोड करते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप इसे डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। तो काफ़ी बेस्ट ऐप है गूगल की तरफ से ऑटोमेटिक रिप्लाई के लिए, रिप्लाई इवन व्हेन यू आर बिजी। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड ऐप है वो है 4K वॉलपेपर ऐप। तो इसमें आपको काफ़ी सारे अमेजिंग वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, वो भी 4K में। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आप वॉलपेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी होम स्क्रीन पे लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको कैटेगरी भी मिल जाती है जिसके हिसाब से आप अपने पसंदीदा वॉलपेपर को लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं जाता हूँ यहाँ पे कैटेगरी पे, तो यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी मिल जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिटर चॉइस, एब्स्ट्रैक्ट, एनिमल्स, आर्किटेक्चर, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो आप उस टाइप का यहाँ पे वॉलपेपर अपने मोबाइल फ़ोन में लगा सकते हैं। तो क्वालिटी उसकी काफ़ी आपको अच्छी मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ ज़रा गैलेक्सी में आपको देख के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको जैसे कि ये वाला वॉलपेपर आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको नीचे आपको प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे इस पे जाएंगे तो यहाँ पे इसे सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, 4K इमेज और फुल HD इमेज। तो 4K तक की इमेज आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेस्ट लगेगी आपके वॉलपेपर पे। तो यहाँ पे मेरे डिवाइस की जो गैलरी है उसमें सेव हो गई है, तो यहाँ से मैं जाके इसे वॉलपेपर पे लगा सकता हूँ। और बाकी तो यहाँ पे ऐड आ रहे हैं अभी, तो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जो आपका फेवरेट हो आप उस हिसाब से अपने वॉलपेपर को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे थर्ड ऐप है हमारे पास, वो काफ़ी बेस्ट ऐप है। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऐप है ये है एज म्यूज़िक नाम से। तो ये सैमसंग के एज में जो पहले चलता था, सैमसंग गैलेक्सी एज में। तो यहाँ पे मैं इसे ओन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको इसे कुछ परमिशन देनी पड़ेगी, मैंने यहाँ पे पहले से दे रखी है। तो बेसिकली ये म्यूज़िक कंट्रोल के लिए ऐप है, इससे आप अपने म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से। तो यहाँ पे मैं होम स्क्रीन पर जाता हूँ, तो आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे एक बार दिख रहा है ब्लू कलर का। तो अभी मैं जाता हूँ अपनी होम स्क्रीन पर। तो अब मैं यहाँ से कुछ सॉन्ग प्ले कर सकता हूँ इसकी मदद से। तो आपको इसे सिर्फ कुछ इस तरीके से टिल्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूजिक बार का ऑप्शन अलग से आ गया है।
तो इसकी मदद से आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी मेरे को अट्रैक्टिव सा लग रहा है यहाँ पे। तो बाकी आप इसकी सेटिंग में भी जाएंगे, तो यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो इसे आप पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, पूरा कस्टमाइजेबल ऐप्स है। जैसे कि आप इसकी पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको बार किस साइड चाहिए, ऊपर नीचे, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को मिडल में चाहिए तो पोजिशन में मिडल सेलेक्ट कर देता हूँ। तो आपको इसकी विड्थ कितनी चाहिए तो यहाँ पर आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इतनी नॉर्मल रख देता हूँ, फुली फुली ठीक है यहाँ पर। तो हाइट भी आप इसकी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हाइट भी नॉर्मली ठीक है। और इसका कलर भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ब्लू ही कलर मेरे को ठीक लग रहा है। और आप इसे यहाँ पे इसका पोजीशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट और राइट। तो यहाँ पे मैं इसे ओके कर देता हूँ, मेरे को यही बेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रीव्यू वगैरह। तो यहाँ पे और अगर आप जाएंगे इसके ऑप्शंस पे तो काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इक्वलाइज़र यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं म्यूज़िक का, ओके। तो यहाँ पे आप इक्वलाइज़र सेलेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कस्टम रिंगटोन बना सकते हैं, सॉन्ग को कट कर सकते हैं अपने हिसाब से, वॉल्यूम को, फेड इफेक्ट, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको फ्री में देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे इसका एक आपको एक पेड ऐप भी मिलता है इसमें, जिसमें आपको एड्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे प्रीमियम वर्जन में। तो लेकिन ये भी काफ़ी बेस्ट ऐप है, बस इसमें आपको थोड़े से एड्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरी लोकल लाइब्रेरी आ गई है, जो मेरे फ़ोन में अभी सेव है सॉन्ग्स। और तो यहाँ पे आप इसमें थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये भी है वो येलो कलर में आएगा, जो बार यहाँ पे आएगा, तो इसे मैं लाइट ही कर देता हूँ फिलहाल अभी। और आपको मैं दोबारा सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ से। तो इसकी मदद से आप यहाँ पे म्यूज़िक को कंट्रोल भी कर सकते हैं और वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं इस ऐप की मदद से। तो काफ़ी ऐप मेरे को अच्छा लगा। अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से म्यूज़िक सुनते हैं ज़्यादातर, तो आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, काफ़ी बेस्ट ऐप है और दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इसकी खास बात यह है कि पूरा कस्टमाइजेबल है, तो आप जो मर्ज़ी इसके ऐप के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से इस ऐप में चेंजेस कर सकते हैं। तो एक बेस्ट ऐप है अगर आपको म्यूज़िक पसंद है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड ऐप है वो है होलो, तो इसे यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो इस ऐप को ओपन करते हैं, यहाँ पर मेरा जो मोबाइल फ़ोन का कैमरा है वो ऑटोमेटिकली खुल गया है। तो यहाँ पे आपको 3D होलोग्राम्स देखने को मिलते हैं अपने कैमरे की मदद से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ होलोग्राम्स। तो यहाँ पे मेरे पास एक होलोग्राम पहले से यहाँ पे खुला हुआ है, तो उसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे स्पाइडरमैन दिखाता हूँ वेब शॉट। तो यहाँ पर आप स्पाइडरमैन को देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह, इस साइड। तो आप इसे 3D में कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी पोजिशन को आप इसे मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं और जूम भी कर सकते हैं। तो आप इसे फन के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर आप बोर वगैरह हो रहे हैं तो आप इससे टाइम पास भी कर सकते हैं अपना। तो या फिर आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे साइड में खड़ा करके ऐसे ही कुछ फ़नी बना सकते हैं इससे। तो आप इसकी पोजीशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। और आप इसे यहाँ पे 3D में घुमा सकते हैं 360 डिग्री, जैसे आपको पोजीशन चाहिए स्पाइडर मैन की। तो यहाँ पे पीछे कुछ साउंड भी चलता है, जिसे मैंने अभी म्यूट कर रखा है यहाँ पे। तो काफ़ी तरह से आप इसे यहाँ पे 360 डिग्री घुमा सकते हैं और इसे मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। और काफ़ी सारे यहाँ पे आपको होलो यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको। तो और आप यहाँ पे कुछ को डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो सबसे लास्ट और बेस्ट एप्लीकेशन है वो है योर हार। तो ये आप एप्लीकेशन ऐप मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बेस्ट ऐप है और आपको इसे डाउनलोड करना चाहिए अगर आप फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हैं। तो यहाँ पे मेरी पूरी अभी आपकी पूरी फ़ोन की एनालिसिस दिखाएगा कि आपने कितनी देर अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करा और कौन कौन से ऐप अभी तक आपने यूज़ करे हैं कितने टाइम के लिए, वो पूरी एनालिसिस आपको यहाँ पे दिखाता है। तो अभी फ़िलहाल 12:51 हुए हैं, तो ये आज से ही शुरू हुआ है, अभी से 51 मिनट पहले से, 51 मिनट पहले से। तो जिसमें कि मैंने 29 मिनट अपने फ़ोन को यूज़ कर रखा है। तो यहाँ पर मैंने इसकी टाइम लिमिट सेलेक्ट कर रखी है, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो अगर आप जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स में इसकी, तो अगर आप जाते हैं इसकी सेटिंग में, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है अपना सेट यूसेज गोल। तो जैसे कि मैं पर डे चाहता हूँ कि अपने फ़ोन को करीबन 3 से 4 घंटे यूज़ करना, और डेली जो फ़ोन की अनलॉक लिमिट है जितनी बार मैं अपने फ़ोन को खोल सकूँ, तो वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 30 टाइम्स। तो उसके बाद यहाँ पर आपको सीधा डन कर देना है। उसके बाद जैसे आप अपनी लिमिट को पार करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 आवर लिख रखे, तो जैसे ही यहाँ पर 4 आवर 1 मिनट हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे ऊपर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होगी, जिसमें आपको बताएगा कि आप अपने फ़ोन को ओवर यूज़ कर रहे हैं, जितना आपने टाइम लिमिट सेलेक्ट करी थी उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आपके अनलॉक काउंट भी होते रहेंगे जितनी बार अपने फ़ोन को आप अनलॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तक मैंने 30 लाख कर रखे, और मैंने अभी तक 12 बजे के बाद से अब तक 4 बार अपने फ़ोन को अनलॉक कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अपनी लेवल भी मिलेगा, एडिक्शन लेवल। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ,
तो मैंने अपने फोन मोबाइल फ़ोन को 5.5 घंटे यूज़ कर रखा है पर डे। तो यहाँ पे मेरा लेवल है वो एडिक्टेड कर दिया है। तो यहाँ पे अलग अलग आपको स्टेज दे लेवल देखने को मिलते हैं, जैसे कि चैम्पियन, अचीवर, हैबिचुअल, डिपेंडेंट, ओबेस और एडिक्टेड। तो टाइम लिमिट यहाँ पे सिलेक्ट है 4.5 से 5, 5.5 घंटे। अगर आप 5.5 घंटे से ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको एडिक्टेड का लेवल मिल जाएगा। तो काफ़ी बेस्ट एप्लीकेशन है ये, आपको iPhone XS और iPhone XS Max पे पहले ही मिल जाके देखने को। तो पूरा आप अपने फ़ोन का एनालिसिस कर सकते हो और यह आपको बताएगा कि आपने कौन सा ऐप यूज़ करा। तो यहाँ पे तो मेरा सबसे ज़्यादा ऐप है यूट्यूब, जो मैंने अभी तक यूज़ करा है। तो अभी फ़िलहाल मैंने 12 बजे के बाद नहीं खोला है, तो ये अभी दिखा रहा है अभी 0, वरना सबसे ज़्यादा मेरा यही होता है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।